जब से एडमिट कार्ड आउट हुआ है, माई व्हाट्सएप हैज बिन बोम्बार्डेड विद द मैसेजेस कि सर क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, टू वैक्सीन ज़रूरी है क्या सर, वो पेन पेपर मिलेगा क्या, ऑल दैट सब. तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना लेते हैं कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. बाय द वे, बहुत सारे बच्चों को ये भी इश्यूज आए हैं कि कुछ बच्चे हमारे बॉम्बे में रहते हैं, उनको नासिक का सेंटर आया है, विच इज़ राउंड अबाउट यार 300 साढ़े 300 किलोमीटर है घर से, राइट. तो ये बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरीज आई कि सर कैन वी चेंज द सेंटर समथिंग, आई मीन कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट, कैन वी सेंड रिक्वेस्ट टू कैट अथॉरिटी सेइंग दैट कि भाई सेंटर चेंज करा दो, राइट. सो इन सब के बारे में बात करेंगे, क्या लेके जाना है, क्या चीज़ें वहाँ पे मिल सकती है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है स्टेप बाय स्टेप. नंबर वन, सबसे पहली बात, आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है. मैंने पहले भी कहा था कि एडमिट कार्ड गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखना, इसलिए 4-5 कॉपियाँ रखना डाउनलोड करके अपने साथ, बिकॉज ये ज़रूरी है. आई डोंट नो व्हाट ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब एग्जाम के दिन के पहले सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एग्जाम के दिन के पहले, बट ऑन द डी डे ना यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, छोटी सी चीज भी नहीं मिल सकती, राइट. तो यार वो चीज है, सो डोंट टेक दैट रिस्क गाइस. तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, ठीक है. उसके ऊपर आपको अपना फोटोग्राफ भी लगाना है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वहां पे एक जगह यू नो एक छोटा सा प्लेस है जहां पे आपको आपका फोटोग्राफ भी लगाना है, राइट. वाइल जो भी अपने अभी जो फिलहाल आपका जो एक एक जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज होगा वो आपको लगाना है, फिर आप जब सेंटर पे जाओगे तब वहाँ पे और एक फोटोग्राफ वो आपकी पिक निकाल के वो साइट में आ जाएगा, जो रिजल्ट पे देखेगा आपको, राइट. उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी है, राइट. वो सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो. सो मेक इट अ पॉइंट दैट आपका जो आईडी कार्ड हो ना, जो भी आपका आईडी कार्ड हो वो प्रॉपर हो, मतलब उसमें कुछ स्क्रैचेस ना हो, जहाँ पे आपकी आपकी साइन, अगर साइन वाला है तो, या फिर एटलीस्ट आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर है तो, या और आपका पिक्चर बहुत क्लियरली मैंशनड होना ज़रूरी है. हाँ ज़रूरी है. अगर आपका आधार कार्ड बेकार वगैरह हो चुका है, गंदा हो चुका है, भाई तुम फिर भी बना सकते हो, राइट. तो थोड़ा सा देख लेना, ये चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज ऑन द डे डे आपको उनसे बहस नहीं करनी है. बिकॉज डे डे पे क्या होता है ना, जिस सेंटर में आपको ये जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो एडमिन स्टाफ होता है यार, ये बहुत चौड़ में होते हैं, मतलब ये लोगों से बहस करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो लेट्स लेट्स नॉट टेक दैट रिस्क, राइट. आगे चलेंगे. देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, छोटी सी बॉटल कैरी करना, ये ज़रूरी है. ये आपको लेके चलना पड़ेगा. ग्लव्स नेसेसरी है, मास्क भी नेसेसरी है. अब आप बोलोगे सर हमने चश्मे लगाए हैं तो हम क्या करें, मेरे तो स्पेक्स है, तो जब मैं एग्जाम के लिए बैठूंगा तब क्या होगा, तो वो थोड़ा फॉग वगैरह जमा हो जाता है. सो गाइज देखो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आप अपना मास्क थोड़ा सा नीचे ले सकते हो, यू कैन पुट इट अंडर द नोज एंड यू नो यू कैन स्टिल गेट अवे विद दिस. लास्ट ईयर भी ये एग्जाम्पल हमारे सामने आया था कि कुछ बच्चों ने अपने जो मास्क थे वो अपने चिन से नीचे लगा के रखे थे एंड किसी ने उनको कुछ बोला नहीं. तो ये बड़ी चिल्ड आउट चीज़ें होती है, सेंटर पर डिपेंड करता है. ग्लव्स लेके जाना जरूरी है. लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने ग्लव्स लेके गए थे बट उन्होंने पहने नहीं, तो भी उनको कुछ तकलीफें आई नहीं आज सच, बट लेके जाना जरूरी, राइट. हैंड सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल सेफ्टी गाइज. उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके चलनी है, ये एक चीज़ है. और जो आपके टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये चीज़ें भी लेके जाना आपको ज़रूरी है. इसके बाहर वो कुछ आपको परमिट नहीं करेंगे, राइट. आगे चलते हैं. अगला पॉइंट है कि आपको राइटिंग पैड और पेन्स वहाँ पे मिल जाएंगे. ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि राइटिंग पैड मिलेगा क्या, पेन मिलेगा क्या. तो आपको राइटिंग पैड और पेन भी वहाँ पे दिया जाएगा. यू विल हैव टू राइट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द राइटिंग पैड, राइट. और ये आपको एग्जाम होने के बाद रिटर्न करने पड़ेंगे, राइट. ये स्ट्रिक्ट रूल है कैट का जो फॉलो करना ज़रूरी है. अब आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है. देखो सिंपल सी बात है, ज्वेलरी मत पहनो, कोई भी मेटल वाली चीज़ मत पहनो, मोबाइल फोन्स वगैरह आपको बाहर रखने के लिए ये लोग कहते हैं नहीं लेके जाओगे तो बेटर होगा. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉचेस वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह पहन के मत जाना. कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है, स्टेशनरी आइटम्स अलाउड नहीं है, पेपर्स, वॉलेट्स, गॉगल्स भी अलाउड नहीं है. तो ये चीज़ें थोड़ा सा केयरफुली संभाल के लेना. देर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ कैंडिडेट्स पर्सनल बिलोंगिंग्स. तो यार ये सेंटर टू सेंटर यू नो ये वेरी करता है. 2 साल पहले ये सिनारी हुआ था, हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कुछ रुद्राक्ष वगैरह पहना था अपने गले में, चैन में. तो यार उसको बोला था कि वो उतार दो करके, तो वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया. बट मैंने कहा ना, इन लोगों से बहस करना वेस्ट ऑफ टाइम है यार. तो आपकी जो भी कुछ भी आपका आस्था का सवाल होगा, मतलब आपकी आपने जो भी लॉकेट वगैरह पहना होगा भगवान का, तो थोड़ा देख लेना. यू नेवर नो कौन से टाइप के आपको लोग वहां पे मिलेंगे, यू नेवर नो, राइट. ये चीजें थोड़ी सी देखना जरूरी है. इसलिए क्या होता है ना, आपका थोड़ा मूड फकअप हो जाता है और वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके पेपर में. तो ये जो जो चीजें आपको लगती है ना कि ये यार ये प्रॉब्लम करेगा डीडे पे, उसको अवॉइड मार दो यार प्लीज.
तो ये चीजें देखना जरूरी है. कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, डेफिनेटली खुद का ही लेके जाएंगे यार, और किसी का ग्लोव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है, आगे चलेंगे. कैंडिडेट्स मस्ट साइन द डिक्लेरेशन, जो पता है कोरोना वाला जो डिक्लेरेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, वो आपको साइन करना है, प्रिंट करना है, और जब आप एंट्री करोगे आपको जो स्टाफ है वहाँ पे उनको वहाँ पे आपको देना है. बहुत सारे बच्चों ने ये भी मुझे पूछा कि सर हम गेट बंद होने के पहले मतलब वो डॉट टाइम पे चलेंगे क्या? डॉट टाइम पे मत जाना, दिस गाइज आर सुपर डुपर सीरियस अबाउट इट. सो अगर आपका गेट मान लो 12:15 को बंद होता है तो बेटा उसमें पहले ही आपको जाना पड़ेगा, बट मैं कहता हूँ 1 घंटा पहले चले जाना बेयर मिनिमम, सो दैट आपका वहाँ पे चेक इन वेक इन प्रॉपरली हो जाए और एंड में कुछ भागा दौड़ी ना हो. शूज स्लैश फुटवेयर विथ थिक सोल्स, सॉरी सॉरी विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड. थोड़ा देख लेना इन सब चीज़ों के बारे में. रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन. सो गाइज ये थोड़ा सीरियस मामला है, आपको टेस्ट सेंटर आप चेंज करके नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि यार मेरा 300 किलोमीटर की दूरी पे सेंटर आया है. गाइज आई विल टेल यू, बेटर स्टार्ट योर डे अ लिटिल अर्ली, नॉट द सेम डे, यू कैन गो अ डे बिफोर वहाँ पे एंड थोड़ा आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, प्रॉब्ली आपको थोड़ा नाइट स्टे वहाँ पे करना पड़ेगा. सेम डे पे ट्रैवल करना अवॉइड मारो, भले वो 100 मीटर हो, 150 हो, 50 हो, सेम डे पे अवॉइड मारना थोड़ा सा अवॉइड कर दो यार, आपको फायदा होगा. सो गाइज ये थी पूरी की पूरी कहानी कि आपको क्या क्या लेके चलना है, क्या क्या लेके नहीं चलना है. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था, जो भी चीज़ें कैट से रिलेटेड होगी उसको मैं आपको अपडेट करते रहूंगा. सो इफ यू न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू सीडीसी मेंटर्स. बहुत सारे लाइव लेक्चर्स भी करेंगे जहाँ पे हम कैट की स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में बात करेंगे. वो ऑलवेज होता है रात में राउंड अबाउट 11:15 को होगा, आज भी एक सेशन होगा 11 o'clock को. सो गाइज इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू लाइक द कॉन्टेंट काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू सीडीसी मेंटर. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and thank you so very much for watching this video. Take care guys, bye bye.